सेंट थॉमस स्कूल, एडमिशन ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 9th एंड क्लास 11th। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार और उसके साथ हिमाचल की सरकार का जो कनेक्शन है उसके बाद हुई फजीहत से बचने के लिए सुखविंदर जी अब तरह तरह की बहानेबाजी करने के ऊपर उतर आए हैं। उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 करोड़ रुपए का बोझ वो हिमाचल की जनता पर लाद दिया और 1,500 संस्थान खोल दिए, तो ये संस्थान, वो स्कूल, वो अस्पताल, वो कॉलेज, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो पटवार सर्कल, वो बीडीओ के दफ्तर, ये सब विकास के और जनसेवा के माध्यम हैं। अगर इससे और जनता पर पैसे का बोझ पड़ता है तो वो सच में किसी भी सरकार को करना चाहिए। और सुखविंदर जी की सरकार ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया 70 साल के इतिहास में, किसी भी सरकार ने संस्थान बंद नहीं किए, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 1,500 के लगभग संस्थान बंद इसलिए किए कि उनके पास उनको चलाने के लिए धन नहीं है। वस्तु स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अपने मित्रों को कैबिनेट रैंक देने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। गैर कानूनी तौर के ऊपर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाने हो, उनके लिए व्यवस्था करनी हो, उसके लिए धन की कमी नहीं है। परंतु संस्थान चलाने के नाम पर वो धन की कमी आड़े आ रही है। वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है जैसा उन्होंने बताया। इन्होंने 2,200 करोड़ रुपया पिछले एक वर्ष डेढ़ वर्ष में प्रदेश के खजाने में डालने की बात की है। गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति जो प्रतिदिन डीजल का उपयोग करता है, ट्रकों के रूप में, बसों के रूप में, जीपों के रूप में, गाड़ियों के रूप में, ट्रैक्टर के रूप में और पानी की स्कीमों के रूप में, उस डीजल के ऊपर 7 रुपए लीटर का वैट लगाकर 1,500 करोड़ रुपया गरीब की जेब में से निकाल लिया और वो उसको अपनी आमदनी बता रहे हैं। गरीब की जेब में से पैसा निकालना, चाहे वो पानी के ऊपर टैक्स लगाना, बिजली के ऊपर टैक्स लगाना, बिजली का रेट बढ़ाना, स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाना, वो राशन जो डिपो में मिलता है उसके दाम को बढ़ाना, बिजली की सब्सिडी को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें करके आप हिमाचल की जनता से और पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं और विकास के नाम पर शून्य है। ये आज की वास्तु स्थिति है और इसको व्यवस्था परिवर्तन का नाम देकर के हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तु स्थिति ये है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना एक मिनट भी यह सरकार चल नहीं सकती, चल नहीं रही है। और जब ये बात आती है तो फिर आप और आपके मंत्री, कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्री बयानों की झड़ी लगाते हैं और दिल्ली में एक मंत्री बैठता है और गुहार लगाता है प्रदेश के सहयोग के लिए और दूसरा मंत्री और मुख्यमंत्री हिमाचल में बैठ के केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को और गाली देने का काम करते हैं। ये पूरी की पूरी दोगली बात है। प्रदेश की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लगाना, सब्सिडी को खत्म करना, प्रदेश का खजाना भरने की घोषणा करना, वास्तव में ना खजाना भरा, टैक्स भी लग गया, ना विकास हुआ, संस्थान भी बंद हो गए और प्रदेश की वर्तमान सरकार
केवल और केवल केंद्र को गाली देने के अंदर अपना समय व्यतीत किया है। ये वास्तविकता आज तक की इस कांग्रेस सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।